असल आदाब मैं हूँ अमीम शरीफ अमन न्यूज़ चैनल में आप तमाम नाजरन का खैर मक़दम है आदिलाबाद में इस वक्त गर्मा गर्म मौजू बहस और अहम मुद्दा आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी परदम इतम का है सबक वजीर जोगन्ना और रुक्न असम्बली पायल शंकर दोनों मिलकर मुंसिपल वाइस चेयरमैन को हटाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक मुस्लिम मुंसिपल वाइस चेयरमैन को हटाकर क्या किसी दूसरे मुस्लिम रुकन बल्दिया को वाइस चेयरमैन का अहदा देंगे मुस्लिम वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए बीआरएस बीजेपी का साथ दे रही है लेकिन क्या दूसरे मुस्लिम को वाइस चेयरमैन बनाने के लिए बीजेपी बीआरएस का साथ देगी इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ अम्मा न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहिर रमजानी साहब आप दोनों का अमा न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है सर तेलंगाना में पहली बार एक मुस्लिम वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए <coughs> बीआरएस और बीजेपी का गठबंधन हुआ है इसको आप कैसा देखते हैं ये आदिलाबाद में जो बीआरएस बीजेपी दोनों मिलके एक गठबंधन के रूप में एक मुस्लिम माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए जो साजिश षड्यंत्र चला रहे ये बीआरएस को जितने भी इतने साल मुस्लिम माइनॉरिटियों के हमारा भाई और बहनों जो वोट दिया और काम किया बीआरएस के लिए ये जरूर मुसलमानों की बेइज्जती है अपमान है जोगु रामन्ना को 20 साल से जो मुस्लिम माइनॉरिटी भाई और बहनों उनको सपोर्ट कर रहे उनका साथ दिया जोगु रामन्ना ने सब मुसलमान भाई और बहनों को वंचित किया अपमान किया यह पूरा मुसलमान माइनॉरिटियों का बेइज्जती है पहली बार तेलंगाना में आदिलाबाद से शुरू हो रहे जो गठबंधन बीआरएस और बीजेपी के साथ यह पूरा तेलंगाना में इसका इंप्लीकेशन इसका प्रभाव पड़ेगा पूरा देश भर में इतने साल से जो मैं और मेरा पूरा कांग्रेस के साथी सब जनता को हम आवाम को इतने साल से बता रहे कि बीआरएस बीजेपी दोनों एक है दोनों एक है इसलिए मैं पूरा मुसलमान माइनॉरिटी को भाई और बहनों को मेरा विनती है ये जोगु रामन्ना को आदिलाबाद से आदिलाबाद के पॉलिटिक्स से राजनीति से हटाना ही होगा जहीर रंजानी साहब आप इतने दिन से बीआरएस में खिदमत अंजाम दिए लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीआरएस और बीजेपी मिलकर आपको हटाना चाह रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं मैं आदिलाबाद शहर के अंदर 25 साल से एक काउंसलर रह चुका हूँ जिसमें जोग रामाना जोग रामाना के पास दस से बारह साल उनके लिए रात दिन मेहनत कराऊँ करने के बाद जो लास्ट टाइम इलेक्शन जो हुआ उसके अंदर उनकी अपनी नाकामी की वजह से उन्होंने हार गए लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम उनको रात दिन मेहनत करने के बाद भी आज जैसा कि हजलाबाद और पूरा तेलंगाना जानता है कि बिहार सभी फ़िलहाल बीजेपी के एक गठबंधन के साथ जो है ये यह लोग यहाँ से जिसकी शुरुआत आदिलाबाद से है वो यहाँ से अब उन्होंने पूरा बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करेंगे और जो आदिलाबाद के मुसलमान जो 20 साल से जोगु रामाना साहब को वोट डाले उसके लिए उनको अब उनकी वोट की जो है सो उनको जो बेइज्जती करे उन्हों जो आज हालात जिस तरीके के है अदलाबाद शहर के अंदर हर गली हर कोने में यही बात हो रही है कि जोग रामाना बीजेपी में मिल गया जोग रामाना बीजेपी में मिल गया आज हर मुस्लिम हर वो कम्युनिटी के लोग यही बोल रहे हैं कि जोग रामाना आज बीजेपी में मिल गया उनकी सियासत यहाँ से ख़त्म है क्योंकि जो 20 साल मुसलमान वोट डाले उसका सिला आज उन्होंने ये दे रहे कि एक मुसलमान वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए इन्होंने बीजेपी से मिल पूरी ताकत लगा रहे हैं आज कन्नी साहब आप एक सवाल का जवाब दीजिए एक मुस्लिम को हटाने के लिए जोगु रामन्ना पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो भी बीजेपी से मिल गए तो इसके बाद क्या मुस्लिम माइनॉरिटी जोगु रामना को साथ देंगे जोगु रामन्ना कभी भी उनका जिंदगी में मुस्लिम माइनॉरिटियों से पूरा दिल मिला के खुल दिल से कभी भी प्यार नहीं किया मोहब्बत नहीं किया जोगु एक एक्टिंग किया एक नाटक किया मुस्लिम माइनॉरिटियों के विकास के लिए जोगु रामन्ना एक काम भी नहीं चलाया अब देखो हमारा खानापुर में जाओ बुकलगुड़ा में जाओ जहां भी मुस्लिम माइनॉरिटियों का पॉपुलेशन है जनाबा है आप गए तो सीसी रोड्स नहीं है उसके लिए पक्का घर नहीं है कनापुर का पौंड में कभी भी बैक वाटर का प्रॉब्लम है तो ये पूरा जोगु कभी भी उसका खुल दिल से काम नहीं किया वो मुस्लिम माइनॉरिटी भाई और बहनों को एक वोट बैंक के तरह देखा जोगु तो ये में अभी जोगु का पूरा मुंह पे जो मास्क है दो असला असली चेहरा आदिलाबाद की जनता के सामने आया और ये एक छोटा पद है मुस्लिम माइनॉरिटियों का अभी मार्केट कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मंडल प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट जेडपीटीसी ये पूरा सबका साथ है म, कोई भी माइनॉरिटी के साथ मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ नहीं है मगर एक जो छोटा पद है मुंसिपल वाइस चेयरमैन वो पद से एक मुस्लिम माइनॉरिटी हमारा जहीर रमजानी भाई को हटाने के लिए जो ये कोशिश कर रहे जोगु रामन्ना इसका इसका असर पूरा जोगु रामन्ना का पॉलिटिकल करियर दुकान बंद हो जाएगा इट्स ए पॉलिटिकल सुसाइड उसका डेथ सेंटेंस जोगु अपना राजनीति का करियर अपना खुद से डेथ सेंटेंस लिखा मरण शासन लिखा इसलिए मैं पूरा मुस्लिम माइनॉरिटी आवाम को मैं यही बोलना चाहता हूं कि जहिर भाई से जो धोखा दिया जोगू रामन्ना ने ये उनके लिए नहीं पूरा मुसलमान माइनॉरिटियों का बेइज्जती है ये अपमान है इस ये वंचित करना है माइनॉरिटी लोगों को वंचित करना है सो इसको कभी भी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी हमारा भाइयों और बहनों क्षमा नहीं करेगा जो रामा को उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया समझो जहीर रमजानी साहब आप एक मुस्लिम लीडर हैं आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा कर बीजेपी और बी हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर आपकी क्या सोच है क्या आप जीतने की उम्मीद रखते हैं आज जो बात हमारे सामने आई है जो एक मुस्लिम वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए फिर परस्त ताकत एक हो गई कि एक मुसलमान नहीं रहना इनकी जो सोच है वो सोच आज साबित इसलिए हो रही कि आप देखिए आदिलाबाद शहर के अंदर दस साल ग्यारह साल इनकी जो सो बी की सरकार थी वो सरकार के अंदर एक भी आप माइनॉरिटी को कोई नामिनेट पोस्ट दिए क्या आप देखिए निकाल के देखिए आप पूरे दस बारह साल के अंदर कोई मुस्लिम हालांकि कई मुस्लिम लीडर्स थे बी के अंदर वो लोगों को कोई नामनेट पोस्ट नहीं दिए क्यों नहीं दिया क्योंकि उनको यही है कि हम मुसलमानों को कुछ नहीं देना है वो डिसाइडेड है उन्होंने ये एक पोस्ट उन्होंने एक गलती से मुझे दे दिए लेकिन उसके बावजूद भी उनको हर हमेशा वो पोस्ट उनको कब निकालना कैसा करना कई चीज़ा इनके सामने आए लेकिन आप देखिए अदलाबाद ने एक लाइब्रेरी का एक पोस्ट है वो भी एक बेले वाले को लाके बिठा दिए यानी कि आप हमारे साथ मुसलमानों के साथ तो हर हमेशा नाइंसाफ़ी करते आए ये लोग बीस साल मुसलमान जो बरमाना को वोट डाले डालने के बाद भी जैसा कि आप आदिलाबाद शहर के अंदर कहीं पर भी देख लो मुसलमान की क्या हालत है एक विश मार्केट देख लो कम्युनिटी हॉल देख लो मुसलमानों के लिए नहीं है ये ये काम कई सालों से पेंडिंग पड़ के है क्योंकि मुसलमानों से इसको कोई हमदर्दी नहीं है सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं जब ये पूरी ताकतें एक जगह फिर परस्त ताकतें एक जगह जमा हो रही तो इन यूनिवर्सिटी साहब और कांग्रेस पार्टी रेवंत रेडियना की सरकार में हम हम जो कोशिश करना है हमारी कोशिश जारी है इन जो से हमको कामयाब करेगा और उसके बाद आदिलाबाद शहर के अंदर जोगो रामाना साहब उसके बाद आपको एक भी मुसलमान जैसा कि आप लास्ट टाइम जो एमपी इलेक्शन में जो आपकी हालत हुई आप ये बता दिए कि हम बिल्कुल बीजेपी के साथ मिलकर है वो हर टाइम आप कैनेजिंग करते हो ख़ुद पूरी कैनेजिंग में आप बीजेपी को वोट डालने का काम करें करने के बाद आपको अदलाहाबाद शहर के अंदर मुसलमान एरिए से आप देख लो कि एक दो तीन सात वोट से ज़्यादा आपको कहीं पे भी वोट नहीं मिले उसका असर ये है कि आप बीजेपी से अटैच हुए बल्कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालना ज़रूरी है क्योंकि आज मुसलमान बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है अदलाबाद का आने वाले बल्दिया इलेक्शन में आपको इसकी जो असर है वो असर आपको जो एम पी इलेक्शन में जो बूथों पर जो सात और ग्यारह वोट मिले ना इन श्ला हम और हमारी टीम कंदी सी सिटी साहब के साथ मिलकर आपको बलिया इलेक्शन में जो सो यही हाल करेंगे बोल के हम आपसे आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि मुसलमान से कि आप देखिए भाई आज मैं एक काम अदलाहाबाद शहर के अंदर मैं चार मरतबा काउंसलर हूँ ये मेरा काम करने का नतीजा है कि मैं आज मैं आवाम के दिलों में हूँ लीडरों के, के दिल में नहीं होगा जिनको मुझसे तकलीफ है लेकिन आवाम के दिल में वोटरों के दिल में क्योंकि मैं आज काम कर रहा हूँ वो काम करने की वजह ये है कि लोग मुझे चाहते हैं वो चाहत आपको आने वाले बल्जा इलेक्शन में आपको बिल्कुल जो है आपके सामने आएंगी और आपको आदिलाबाद भी छोड़ना पड़ेगा और ये भी बात बोल रहा हूँ पूरा आदिलाबाद के मुसलमान भाई और बहनों को मेरा वादा है कंदी श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस पार्टी अपना पूरा ताकत लगाएंगे कि कि जहीर भाई ये नो कॉन्फिडेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीतेगा और मुस्लिम माइनॉरिटियों का ये पद जो दिल दिल ये पद है इसके लिए रक्षा करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपना पूरा कुल दिल से ताकत लगाएंगे सर ये एक सवाल है बी आर एस अपने आप को सेकुलर बोलती है और बीजेपी जो है सो बिल्कुल सेकुलर नहीं है ये दोनों के अलग अलग आइडियोलॉजी है फिर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अभी म्यूंसिपल को छः महीने में म्यूनसिपल काउंसिल ख़त्म हो जाएगी तो इसमें तीन महीने तो काम शुरू हो जाएगा इसके लिए जोगुरा माना साहब क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं इसको वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए क्या है इसको हटाने के बाद बीजेपी फिर से मुस्लिम वाइस चेयरमैन को रखने के लिए बी का सपोर्ट देगी में जब नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं है, ये मैं मेरे को जब ही मालूम हो गया तभी मैं इस्तीफा उसका मुंह को मुंह पे डाल के मैं पार्टी से बाहर आया और कांग्रेस पार्टी का झंडा मैं अकेले पकड़ा और ये जोगु जो कर रहे बीस साल से माइनॉरिटियों को वंचित करके अभी बीस साल के बाद ये छह महीने हैं बल्दिया का टर्म खत्म होने के तक ये ये क्यों अब कर रहे कि बीजेपी का हाईकमांड को इंप्रेस करने के लिए इंप्रेस करने के लिए अभी हमारे साथ सब लोग बोल रहे आदिलाबाद में बहुत सारे जनता बोल रहे कि जोगु रामन्ना बंडी संजय साहब है जो सेंट्रल होम यूनियन होम मिनिस्टर है उसके साथ मिल चुके हैं और गठबंधन और जोगु रामन्ना बीजेपी में शामिल होने का मुहूर्त भी लगाया ये मेरा बात नहीं ये पूरा आदिलाबाद की जनता बोल रहे बंडी संजय से उसका मुलाकात हो गया और बीजेपी में एनी टाइम शामिल होने के लिए जोगु रामन्ना तैयार है तो इसलिए बीजेपी हाई कमांड को इंप्रेस करने के लिए जोगु रामन्ना यह पूरा नाटक कर रहे और इसको एक माइनॉरिटी लीडर का वाइस चेयरमैन पद चीन लेके जोगुरामन्ना रामन्ना बीजेपी में शामिल होने के लिए पूरा षड्यंत्र साजिश रच दिया और इसका असर हम ये बल दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन में देख रहे जोगु रामन्ना और शंकर दोनों बीजेपी बीआरएस मिलके आदिलाबाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया और ये पूरा आदिलाबाद में यह बीजेपी बीआरएस का गठबंधन जो है यह जोगु राम पायल शंकर का गठबंधन जो है यह आदिलाबाद के लिए नहीं पूरा तेलंगाना में इसका असर पड़ जाएगा और इससे बीआरएस और जोगु रामा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा और बी आर एस जिंदा नहीं रहेगा जोगु रामन्ना का पॉलिटिकल करियर भी जिंदा नहीं रहेगा हमारा कोई भी इलेक्शन होने दो हमारा कांग्रेस पार्टी का खड़ा टकरार बीजेपी से ही होगा और हम हम नरेंद्र मोदी सरकार जो मुसलमानों के साथ बेइज्जती कर रहे वही बेइज्जती जोगु रामन्ना भी कर रहे तो इसको हम लागू नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी का सीक्रेट एजेंडा आदिलाबाद में लागू नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र साजिश आदिलाबाद में नहीं चलेगा ठीक है अमन न्यूज चैनल में आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हल्का असम्बली इंचार्ज कंटी श्रीनिवासा रेड्डी और आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी जो आदम एतम से मुतालिक अम्मा न्यूज़ चैनल से बात कर रहे थे नाजरीन दोबारा किसी अहम अनवान पर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे जब तक अलविदा